بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والله میں جان سے پیارے ہیں صحابہ گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اور ملت کو ذرا ہم ملت مانتے ہیں مسلم امہ کے اتحاد کو اور ملت کو ذرا بیدار تو لینے دو تھوڑا سا توجہ کیجئے گا میں اکثر بات کرتا ہوں نہ تو کوئی اکثر یہ ہوتا ہے میرے ساتھ کہ میں بڑی بھی تیاری کر لوں نا بہت چیز کو پھیرے لگا لوں رٹے لگا لوں مجھ سے بیان نہیں ہوتی کوئی بیان وہی ہوتا ہے کوئی اللہ پاک کی طرف سے کوئی مطلب جو چیز کہہ لیں کوئی الہامی ٹائپ چیز ہو جاتی ہے نا وہی مجھ سے بیان ہوتا ہے پتہ نہیں کیا یہ میرے اندر کچھ طرح سے ہے کھڈیاں میں گیا پچھلے 3 دن پہلے بیان تھا وہ کہنے لگے قاری صاحب وہ آپ کی مقام مصطفیٰ وہ بیان کرنا ہے آپ نے تو میں کہا بھائی وہ ان بندوں نے سنا تھا آپ بھی ان جیسے بن جائیں شاید اس سے بھی بہتر ہو جائے بیان کوئی تو بہر کیف آپ نے توجہ فرمانی ہے میں نے لفظ ہوتا ہے ذرا لفظ ہوتا ہے ذرا آگے الف آیا را کے بعد الف آیا لمبا ہو گیا ذرا میں نے کیا بولا ہے اور ملت کو ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے گا اور ملت کو ذرا بیدار تو لینے دو ذرا بیدار ہو گئی پھر تو کچھ ملے گا ہی نہیں آپ کو پھر تو چھا جائے گی ملت اور ملت کو ذرا بیدار تو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعدا حبیب کبریا میرے اور جناب دے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم حضرت احمد مجتبی سیدنا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو ذوقار بزرگو معزز ذوقار علماء کرام حفاظ کرام طلباء عظام اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بارگاہ دے اندر اج دی عظیم الشان محفل مجلس نو اس خطبہ جمعۃ المبارک والی بابرکت پر رونق محفل نو اس حاضری نو
अल्लाह सोना अपनी बारगाह अंदर मकबूल मंजूर फरमाए, और जो कुछ पढ़िए पढ़ाइए सुनिए सुनाइए अल्लाह सोना उदे ते अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। तो मोहतरम प्यारे भाईओ, इको चीज़ के जिथों असी पिछे आ गए, गल अमल नाल बनदी है। अगर अमल पल्ले नहीं ना तो फिर तेनों कख जिन्ना फायदा नहीं होएगा। तो सब तो बड़ा अमल ए वे कि तू आखे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सोने तेरे तो इलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, इबादतां सारियां सिर्फ तेरे वास्ते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असी गवाही देने कि नबी मुकर्रम नबी मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे खातमुन नबीयीन आखिरी पैगंबर रसूल ने साढ़े नबी ने, असी इस बात का इकरार करने आ। सब तो बड़ी बात है, सब तो बड़ा अमल ए, फिर एदे तो बाद एदी मुताबकत अंदर, फिर जो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा हुक्म है वह तो फिर मनना पएगा ना जी। तो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी बात आए चूंके चुना के वो तो ठीक है, लिहाजा मैं ऐसे करूँगा, तो फिर अल्लाह को भी इख्तियार हासिल है कि वो भी वैसे ही करें जैसे उन्होंने फरमाया है। अमल पहले वो दौर अच्छा था कि जब बुजुर्ग तीन तीन दिन की कॉन्फ्रेंसें सुनते, रात जलसा सुनते, सुबह तहज्जुद पढ़ते, सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते, वो दौर अच्छा था। आज हम बयान करने वाले रात बयान करते हैं, सफ़र करते हैं, सुबह की नमाज बाद में 7 बजे 8 बजे 10 बजे। मैं तो अपनी बात करूँगा भाई, तो फिर उसी तरह से अल्लाह की तरफ से रहमत नाजल होंगी ना। तो अमल जो है ना, अमल वो बुज़ुर्ग सुनते थे ना कुछ, मैं हज़रत हाफिज़ मोहम्मद यहिया अज़ीज़ मीर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह उनका डायरेक्ट शागिर्द हूँ, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह, बड़े बड़े असातिज़ा अल्लाह के फजल से उनके कदमों में बैठने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, सीखने का। प्यारे भाइयों, हज़रत लखवी रहिमहुल्लाह एक दिन आए, सुबह का दर्स दिया, मैं नमाज़ पढ़ाई, उस दिन कारी साहब लेट थे, कोई नमाज के लिए नहीं आ रहा था, मुझे अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक बख्शी। हज़रत बाबा जी जदों मसीते आते सन ना, तो नमाज़ पढ़ाने वाले कारी साहब भी गायब हो जाते सन, क्योंकि बाबा जी तो नमाज तो बाद शुरू हो जाते सन सोटे नाल कि तू इतों गलत पढ़िया, गलत पढ़िया, तू तर्जमा ही बिगाड़ दिता कुरान का। अल्लाह अल्लाह सानू ऐसे ऐसे बुजुर्ग अता फरमा, अल्लाह वो तो साढ़े सलफ सन, सानू भी अल्लाह खलफ एह जी बना दे। असी तो हूँ जिदे हो पे फ़खाला फमिम बादिम खलफ अवा उसला, असी तो नमाजा ज़ाया करने वाले खलफ बन बैठे हाँ। अल्लाह अकबर कबीरा, हज़रत लखवी रहिमहुल्लाह ने फरमाया, कहन लगे बेटा मैं ज्यादा तुहानू बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करांगा, जिस दिन कुरान पाक की जड़ी आयत पढ़ो कम अज़ कम यारो, उस दिन तो उदे अमल कर लिया करो। जिस दिन हदीस पाक प्यारे आका जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिस दिन फरमान जेड़ा सुनो पढ़ो यार, उस दिन तो उदे अमल कर लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर जी, तवज्जो फरमाना जरा। अमल मैं अमल वाले पासे लेके आ रहा ताकि गल अमल नाल बनती है। अगर अमल वाले पासे मैं तू अपन औलादा किसी की ताजियत तिमारदारी आना जाना पुछना सिला रहमी कराबतदारियाँ रिश्तेदारियाँ जदों इन्ह सारिया चीज़ों सिखावे ना तो गल बन जाएगी। तो जे असी अपन औलादा सोशल नैटवर्क वास्ते छड़ दिता, इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया च घुमा दिता, फिर कयामत तो बड़ी दूर की बात है, साढ़े ते आ गई कयामत। यह सैलाब डबो करके लै गया पूरी आवाम नू, फहाशी उरियानी ना चाहते होया भी असी सौग सुनने, ना चाहते होया भी अलाते मुसीकी मेरे नबी मजामीर मिजमार नू तोड़ने वाले पैगंबर, अज मेरी जेब अंदर भी मौजूद, तेरी जेब अंदर भी मौजूद। अल्लाह दुआ कर मैनू तेनू साहेब अमल बनावे। अल्लाह दया अगर किसी की इज्जत है अमल करने वाले की इज्जत है, जेड़ा गल नहीं मनता अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी, अल्लाह भी उदी इज्जत नहीं फरमांदे। सुनो जरा कायनात दे अजीम लोगों का तज़करा जिन्होंने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे पिछे अपना तन मन धन कुर्बान कर छड़िया। मैनू हुक्म होया, मेरे प्यारे भाई राणा मुहम्मद फारूक साहब फरमा रहे सन के कारी साहब शाने सहाबा बयान करना, सहाबा की अजमत बयान करना, सुनो फिर सहाबा। अल्लाह अकबर पढ़िए अल्लाह का कुरान तो ईमान ताज़ा हों चला जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपनी पाक कलाम अंदर इरशाद फरमाया गए ना, अल्लाह अकबर इस अंदाज नाल इस मसले इस बात नु समझाया है, फरमाया लोगो फ इन आमनु बिमिस्लिमा आमन तुम भी फ
दिहता दऊ। फरमाया अगर तुसी चाहते हो ना कि तुसी ईमानदार बन जाओ, अगर तुसी चाहते हो तुहानू रब रहमान दी समझ आ जाए, तुहानू अल्लाह दे रसूल दीयां बातां दी समझ आ जाए, फिर तुसी ईमान ले आना चाहते हो। इन्ना दे ईमान वर्गा ईमान लै करके आना है बतौरे कसवटी दे। हाँ हाँ अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, नबी दे सहाबा वर्गा ईमान असी किवें बना सकने आ, लेकिन नकल ते मारी सकने आ ना। अल्लाह ने इंसान बनाया है, ओ भी ते इंसान सन, ओ भी ते बशर सन, लेकिन कायनात दे सब तो आला तरीन लोग सन ना। कायनात अंदर सब तो आला अरफा व अबयजात मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी। अल्लाह ने मेरे नबी नु संगीत साथी रफका भी सब तो आला अता फरमाए। मैं कहना मेरे नबी नु अल्लाह ने जैसे सहाबा अता फरमाए, जमीन दी कंढ ते ना ऐसे बंदे पहले आए ते ना बाद अंदर आए, जैसे अल्लाह ने मेरे नबी नु सहाबा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। कायनात दी सब तो आला किताब उन्हां नु मुखातिब है, रब दा कलाम उतरदा है, रब दा कलाम नाजल होंदा है, कुरान नाजल होंदा है, जिदा तू एक एक हरफ पढ़े ते तेनू दस दस नेकियां मिलदियां जान। अलिफ लाम मीम हदीसे पाक अंदर आंदा है ना, ये सारा एक ते जुमला है, हरफ नहीं है ना। हरिफ हरफ ते अलिफे, हरफ ते लामे, हरफ ते मीमे, एक एक हरफ दे बदले अल्लाह दस दस तेनू नेकियां अता फरमांदा है। जिन्ना ते कुरान नाजल हो रहा होएगा, जिन्ना नू रब रहमान डायरेक्ट खिताब फरमा रहे होंगे, उन्हां दियां इज्जतां ते अजमतां दे क्या कहने। चूंके चुना के वो ऐसे नहीं 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 नहीं, उंगली भी उठाई जा सकती। हाँ अगर आप बात करेंगे कि वो ऐसे थे तारीख में फलां साहेब ने ये लिखा है, हम उसको साहिब नहीं मानते जो सहाबा के बारे में कलम उठा के नापाक जसारत करता है। हम उस तारीख को नहीं मानते। हाँ हाँ हम तो रब के कुरान को मानते हैं। फरमाया फइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बी फ़क़द इहतदौ। अल्लाह ने कई ऐसे ऐसे मसले, ऐसे ऐसे कानून जिन्ना दे अंदर तरमीम नहीं हुई, लेकिन मेरे नबी दे सहाबा दे सहाबियात दे होंट हिले, अल्लाह ने कानून ही बदल छड़े। हाँ हाँ तेनो कुरान। मेरे भाई राना फरूक साहब, मोहतरम शेख शेखुल मुकर्रम अनस मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला, हाफिज़हुमुल्लाह ताला, फरमा रहे सनक कुरान ज्यादा पढ़िया जे। सुनो फिर 28वें पारे दी इब्तिदा हो रही है ना, हुंदा की ये वाकया तेनो इन सुनांदा जावा। रात अद्धी रातों ढल जांदी है ना, मेरे मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर दे अंदर तशरीफ फरमा होंदे ने ना। मेरी तेरी अम्मा जान सिद्दीक बाप दी सिद्दीका बेटी, सिद्दीका ए कायनात, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा जाखिदा फाजिला आलिमा आबिदा साजिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे नबी अम्मा जान हजरत आयशा दे हुजरे मुबारक अंदर तशरीफ फरमा, यानी और रात मेरे नबी दी अम्मा आयशा दे खांसी ना, इधरों रात दी रातों डली हुई है ना, दरवाजे दे खटकने दी आवाज आई है ना। हजरत अम्मा जान फरमा दिया ने मैं वेखिया मुख्तलिफ कुतबे अहादीस अंदर तफासीर अंदर रिवायत मौजूद है ना। अम्मा जान फरमा दिया ने मैं की वेखनी आ, जदों मैं दरवाजे खटकण दी आवाज सुननी आ ना, मैं वेखिया उस वक्त हजूर दी अख मुबारक लगी हुई है ना। मेरे नबी आराम फरमा रहे ने ना, आराम फरमा दिया होया, मैं वेखिया तो मैं जल्दी जल्दी नाल दरवाजे दी तरफ लपकनी आ, मैं दरवाजे बल्ले भज करके जानी आ ना, किधरे दरवाजा दोबारा खटके मेरे नबी दी अख मुबारक ना खुल जाए, मेरे नबी बेदार ना हो जान। रूहानी माँ ते बहन इस्लाम और किस चीज का नाम है ना, अगर हजे भी तेनू मसले की समझ नहीं आई, तेरा खामद बारो थकिया टुटिया
ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਥੱਕਿਆ ਮਾਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਥੱਕਾ ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕੂਨ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਸਕੇ ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਭਰਾਈ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ ਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਡੁਬਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੌਲਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਖੌਲਾ ਏ ਮੁਫਸਰੀਨ ਨੇ ਖੌਲਾ ਬਿੰਤੇ ਖਵੈਲਦ ਯਾ ਖੌਲਾ ਬਿੰਤੇ ਸਾਲਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਖੌਲਾ ਵਾ ਖੌਲਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਖੌਲਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਸੁਗਰਾ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖੌਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਥੱਬਾ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਖੌਲਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਖੌਲਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਉਣੇ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਖੌਲਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਖਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਜੇ ਖਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਏ ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੌਲਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਸਭ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਬਿਦਾਰ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਖੌਲਾ ਆਈ ਹੈ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੌਲਾ ਆਵੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਖੌਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਖੌਲਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਖੌਲਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੌਲਾ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਖੌਲਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੋ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਬਾਤ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਛੱਡੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ਕੱਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਈਏ ਸ਼ਾਹਰਗ ਕੱਟ ਦਈਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ 29ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹ ਭਾਈ ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਕਹਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਕੁੱਲ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਆਲਾ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਅਰਫਾ ਹੈ ਆਜ ਤੱਕ ਹਮਨੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਵੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਵੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੀਆ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਹਮਨੇ ਆਪ ਕੋ ਅਤਾ ਕੀਆ
हमने सबको दुनिया पे रखा आपको इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदा जन्नतुल महवा, हमने तो आपको सिदरतुल मुंतहा और जन्नत महवा के करीब बुलाया हैं। हमने तो आपको यह भी नहीं फरमाया कि फखला नालिक, हमने तो आपको यह भी नहीं फरमाया कि अपने जूते उतार दीजिए, हमने तो कहा आइए रूह बमाए जसद सने जूते कपड़े आइए ऊपर आ जाइए हमारे पास, हमने तो आपको बुलाया। लेकिन दीन किधर से बनता है बोल, दीन कितों नाजल होता है, अरशा तो। अगर कोई मदीने च बह के भी चंद जुमले लिख के आखे ना कि दुरूद ते असी नहीं मनते, अजी ते हसान तेरी अजमत तो कुरबान रजी अल्लाह अनहु रजा, अल्लाह तुहाडे नाल राजी हो जाए। हजरत हसान असी तो तुहाडे शेर कहने आ, नबी दी नात कहने आ, लेकिन दुरूद ते असी उन्हां नूं नहीं मनते। तो तुसी फैसलाबाद दे मौली साहब दा लिख के दुरूद मान लैंदे हो हैं, को लखे दे अंदर लिखे को हजारे च लिखे को माहीनामा लिखे तुसी उन्हूं दुरूद मान लैंदे हो, दुरूद ते नहीं हुंदा ना। दीन कित्थे बणदा है, अरश ते, ते फर्श ते नाजल हुंदा है। नाजल होण दीआं कई सूरतां अल्लाह ने जिबरील मुकर्रर फरमाया वही वास्ते मैसेंजर दरमियानी रस्ता, फिर अल्लाह ख्वाब अंदर भी विखा देंदे ने, फिर इल्हाम डायरेक्ट इल्का भी हो जाता वही दियाँ कई किस्म। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फरमाया खौला तू अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़िया तेनों पता नहीं मसले दा, मैं ते कुछ नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, हजरत खौला समझ गईयां नबी दी सहाबिया ने बात समझ आ गई के सुने नबी को इख्तियार कोई नहीं है ना कानून बदलने का, कानून अंदर तरमीम फरमाने का। उस वक्त साइड ते हुई अम्मा जान आयशा फरमा दिया ने ना, मैं वेख्या मैं खौला नू वेखिया तो दे होंठ हिले, सिर्फ होंठ हिले, मैं सुन नहीं सकी करीब खड़ोतियां, मैं अल्लाह दी कसम मैं नहीं सुन सकी खौला की बोल रही है, खौला की आख रही है, खौला की कह रही है। मैं सदके जावा अपने रब्बुल आलमीन तो जिन्हें सत्ता फलका पार सुन लिया। इधरों वही दिया सुरात वेखे हजरत आयशा फरमांदी ने खौला चुप 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 खौला चुप हो जा, सोने मुहम्मद रसूलुल्लाह ते जिबरील आ गए ने, वही आ चुकी है, हो सकता है तेरे मामले दे अंदर को बेहतरी आ गई होवे, बेहतरी आ चुकी होवे। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह, इधरों रब दा कुरान आया, मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाया खौला सुन सुन सुन, अल्लाह ने तेरी आवाज नु सुनिया ते कुरान बना छड़िया। ये तो खौला थी जो आयशा के पास आई, आयशा के बारे में तो सूरह नूर अल्लाह ने नाजल फरमाई। फिर तू भौंके और हमसे तवक्को करे कि हम अपना मौकफ ढीला और नरम रखें, हमसे तो नहीं हो सकता। ओ मेरे भाई, हम मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पीर मार होते हैं हम, को कुदरती बात है ये नसब, नसब नहीं कोई, मैं तो भाई असी कम यारा नालों भी भाई माड़े हैं, ये कड़ी बात कर दियो। असी तो शेख मुहद्दिसुल असर हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कदमों नाल लगन वाली खाक का मुकाबला नहीं कर सकते, असी नसब का मैं तान नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीज़ा होंदिया ने जट राजपूत थोड़ा जहा दिमाग खराब क्रैक अखड़ मिजाज थोड़ा जहा थोड़ा जल्दी गुस्सा कर जाना, जल्दी लड़ पैना भिड़ जाना, ऐसे मामला कोई माँ साड़ी दे बारे च बुरे अल्फाज बोले, होवे भी मुसलमान होवे भी भाभी भरा हल्दीस, तो दिल करे ती गोलियां अठाई ती सताई पंजी लंघ जाने दे अंदरों, इंज हुंदा कि नहीं हुंदा। छोटी जी बात है, मैं इश्तियाल दी बात नहीं करता, मैं मेरे पूरी गुफ्तगू सुनोगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा, इश्तियाल नहीं, हम नहीं बात करते, हमारे लिए तो वो भी मुकद्दम, नबी के अहले बैत हमारी मोहब्बत उनके साथ, हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं जिस बंदे की अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं, अहले बैत से जो मोहब्बत नहीं करता वो बंदा बेईमान है, और जो सहाबा के ईमान पे उंगली उठाता है वो भी बंदा बेईमान है। हम तो करते नहीं है भाई, कौन करता है ऐसी बात, जो करता है उसको पकड़िए। आला मुक्तदर इदारों से मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम तो रिस्पेक्टेड सिटीजन जिनको बोलते हैं, अब हम तो बाइज्जत शहरी हैं भाई, हमारी तो ये गुजारिश है कि इनको पकड़िए, इनको पट्टा डालिए। आज आपके थाने के SHO के खिलाफ कोई बंदा बात करे पोस्ट लगाए, अगले दिन धरा नहीं जाता हजरत, बताइए अगले दिन नहीं धरा जाता, वो घर से उस वो बंदा ना मिले उसके पूरे घर को उठा लिया जाता है। वो नबी के सहाबा को इतना कमजोर समझ लिया कि उनके बारे में जो मर्जी हर्जा सराई करे, आए दिन सिद्दीक की सदाकत के बारे में उंगलियां उठे। और मेरे मुल्क की नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जितनी भी जो भी मुक्तदर इदारे हैं,
एस्टेब्लिशमेंट है, वो हरकत में ना आए तो भाई हमने आपको किस लिए रखा हुआ है, हमने आपको किस लिए मुंतखब किया है? आप हमारे जज्बात की फिक्र कीजिए, आप हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, आप हमारे नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत फरमाइए, ये हमारी गुजारिश है। इश्तियाल मत दिलवाइए, इश्तियाल इश्तियाल मत दिलवाइए। बार बार होता रहा, बार बार होता रहा। छोटी सी मिसाल दी हजरत जी, आज हमारी माँ बहन के बारे में बात बर्दाश्त नहीं होती तो हम पता नहीं कितने सब्र से बैठे हुए हैं, पता नहीं अल्लाह की कसम हम कितने सब्र से बैठे हैं। तो कुत्ते मार मुहिम तो हमें भी आती है, वो सारे मामले आते हैं, लेकिन हम मुल्क का अमन ख़राब नहीं करना चाहते, ये बात याद रखिएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत सालबान खौला बिनते सालबानो, हजरत अम्मा आयशा फरमांदियां ने खौला खौला चुप हो जा, लगता है तेरे बारे अंदर को बेहतरी आ गई है, वही आ गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया खौला खुश हो जा तेरे बारे अंदर, अल्लाह ने तेरे शिकवे ते शिकायतों नु कुरान बना छड़िया। तू उनके बारे में बात करे जो नीचे सिर्फ होंठों को जुम्बश दे, अल्लाह अर्शों से कुरान नाजल फरमा दे उनके लिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी अपने खामंद के बारे में झगड़ा कर रही थी, यानी जड़ी तुहाडे नाल अपने खामंद के बारे अंदर झगड़ा कर रही सी। अल्लाह ने वतश्तकील अल्लाह, जब तुसी उन्हें आख्या मैं कुछ नहीं कर सकता, मफहूमन तर्जमा करता जावा, फिर नुकरे लग गई, उन्हें सानू आवाज मारी, अल्लाह ने उदी आवाज नू सुन ली है। अल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह अल्लाह उसे अल्लाह नू असी इलाह मनने आ, उसे अल्लाह नू असी मुश्किल कुशा मनने आ, उसे अल्लाह नू असी दाता मनने आ, उसे अल्लाह नू असी हाजत रवा मनने आ, उसे अल्लाह नू असी करनिया वाला मनने आ, उसे अल्लाह नू असी भरनिया वाला मनने आ, उसे अल्लाह नू असी तरदियां डबोण वाला ते डुबियां तारन वाला मनने आ। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। ओ वीरे अगर तू ही चाहना कि तेरे दिल तो छापा खत्म हो जान, दिमाग दे जाले उतर जान, तेरा बदा कुरान पढ़िया कर। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मसला आ गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया खौला कानून बदल गया। ये उनकी शान है, कुरान जिनके लिए नाजल हुआ, हम उनके बारे में कोई बात नहीं सुन सकते। अल्लाह अकबर। कुरान नवाजते मसला की आया के गलती ते की थी ये बंदे ने, बीबी नू सजा क्यों मिले? आहा सुभान अल्लाह, अल्लाह इंसाफ फरमाया। गलती बंदे दी, बीबी नू ओनू गुनाह क्यों, ओनू ओनू अजाब क्यों मिले, ओनू तकलीफ क्यों मिले? गलती ते बंदे दी है ना, हुण बंदा की करेगा? एक गुलाम आजाद कराएगा। हजरत जी खौला बोल दी अल्लाह दे रसूल, आप गुलामों वर्गे हुए पे हूँ, कितों गुलाम आजाद करवाइए? फरमाया 60 दिन दे पैदर पै रोजे रखेगा। अल्लाह रसूल बुजुर्ग जहा बंदा रोजे इन्ने दिन रख के तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, रोजे इन्ने अल्लाह रसूल भी कम पाड़। फरमाया अच्छा फिर 60 मिसकीनों को खाना खिला दे। सुभान अल्लाह कहता जदर 60 मिसकीनों को खाना खिला दे। ये नबी दे सहाबा वास्ते आसानियां पैदा हो रही जेड़ियां मेरे तेरे तक भी पहुंचियां। अल्लाह अकबर। 60 मिसकीनों को खाना खिला दे। अल्लाह दे नबी जी दो दो चार चार डंग भूखे रहने, 60 मिसकीनों को इक वक्त खाना किवें खिलाइए? मेरे नबी ने फरमाया आयशा ओ खजूरां दा टोकरा जिहड़ा मैनू गिफ्ट आया सी, जिहड़ा मैनू हदिया आया सी, किथे? हजरत आयशा उठा ले आईयां, फरमाया खौला टोकरा खजूरां दा लै जा, जा करके खा ले, खा अपने बच्चियां नू खवा दे, मोहल्ले दे अंदर तकसीम तकसीम कर दे। अल्लाह अकबर।
तेरा मसला क्लियर हो गया। अल्लाहु अकबर लाला फा इन्ना मनु बी मिस्ली मामल तुम भी फ़क़द इहतदौ। मैं नबी और नबी दे सहाबा नु वेखा, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया ते आए अबू बकर, फरमाया खैरुल बशरी बादल अंबिया अबू बकर या अफजलुल बशरी बादल अंबिया अबू बकर। उमर आए मेरे नबी ने फरमाया लौ कान नबियुम बादी लकाना उमर। उस्मान आए मेरे नबी ने फरमाया कामिल हयाई वल ईमान उस्माना। ओ मेरा उस्मान तो मुकम्मल हया वाला, जद को रब दे फरिश्ते भी हया कर दे। जाल के एक मौली साहब होते थे, उनको मैंने अपने कानों से सुना, हजरत उस्मान के बारे में बहुत नाजेबा से अल्फाज बोले, वो मैं अपने बाप के बारे में अपने भाई के बारे में नहीं बोल सकता। उसी दिन दिल से इज्जत चली गई उनकी, ये कौन है? अल्लाह की कसम हम अपने माँ बाप कुर्बान कर दें इनके जूतों की खाक के बराबर भी नहीं। हाँ हाँ हम तो कुर्बान कर दें सब कुछ। अल्लाहु अकबर अल्लाह अली आए मैं यफ्ताहिल्लाहु अला यदैही। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली कल फतह ओ करेगा खैबर दी जेदे हाथ ते अल्लाह ने फतह रखी, ओ झंडा लहराएगा। अली ने झंडा लहराया, अली ओ ने ना जिल्ला दी तरबियत बचपने हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाई है। हजरत फातिमा फरमाउंदियां ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अम्मा फातिमा फरमाउंदियां ने अली जिवें मेरे नबी अद्धी अद्धी रात उठ उठ करके रोया कर दे, रब नूं मनाया कर दे सजदियां दे अंदर, जिवें अल्लाह दे रसूल दे एवें सीने अतहर चो सदरे अतहर चो सीने मुबारक चो आवाज़ां हंडियां ते भड़कण ते जोश मारन दियां आउंदियां, उवें अली दे सीने च वी रात नूं आवाज़ां आउंदियां। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे नबी दे आशरा मुबशरा, मेरे नबी दे बदर वाले, मेरे नबी दे ओहद वाले, मेरे नबी दे हुनैन वाले, मेरे नबी दे साबिकून अलवलून। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी दे सहाबा दी बात करना है, आ जरा सुनदा जा, इल्ला दे ईमान वरगा ईमान बनाएगा ते अल्लाह कबूल फरमाउणगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। कुरान पाक दी आयत नाज़िल होई कुल लिल मुमिनीना यगुज़ू मिन अबसारिहिम। मोमिना नु चाहिदा अपनिया नजर झुका के रखन, नीवियां पा के रखन। साहबा नु कुरान मुखातिब, उन्हें नीवियां पा लिया। एक जंग ते जांदे ने दुश्मन, दुश्मन दे कुछ लोग हाथ अंदर आए, कैदी हो गए, कोई दुश्मन दी बेटी नूं भी कैद कर लियांदा है। मेरे नबी अली सलाम जोहर तो बाद मुआयना करने वास्ते आए ने ना, अल्लाह दे नबी मुआयना फरमा रहे ने, वेखिया एक बेटी मौजूद है। मेरे नबी ने अपनी कमली मुबारक उतारी है, बेटी दा सर नंगा मेरे नबी ने ढांप छोड़िया। सिर नंगा है, हुजूर ने ढांप दिता, कमरे च कल्या ले जाके, अलग ले जाके। दीगर बातें भी हुई, एक मौली साहब गलत ही तर्जमा फरमा रहे थे, गलत ही अपने अपनी तरफ से मसला के जी, वो देखे ना फलाने मौली साहब ने टोपी रखी एक औरत के सर पे तो नबी पाक ने पगड़ी रख दी, ऐसा कर दियो भाई। वो सबकी मौजूदगी में था, वो अकेला कमरे में नहीं था, सेल्फियों का तो दौर भी नहीं था वो। आप किस तरफ उम्मत को लेके जा रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने सर मुबारक कजिया, आहा सुभान अल्लाह, फरमाया दस बेटी तेरे नाल की हो जिया सलूक होए। कहंदी मां दी दी बहन हातिम दी बेटियां चंगियां दी बेटियां, मेरे बड़े नेकोकार प्यो भाई ने, बड़िया खिदमत करने वाले, अल्लाह दे राह दे अंदर खर्च करने वाले। काफर भी रब दे राह च खर्च करन नूं की समझदे सन? नेकी सवाब अल्लाह वधांदा, दुगना माल वध जांदा, मेहमाना मुसाफरा मदरसे मसाजिद तलबा ते खर्च करन नाल। इब्ने मुबारक फरमांदे ने, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाहु अलैह फरमांदे ने, अगर मसनद नबुव्वत तो बाद मैं किसी कौम ते खर्च करना सब तो अफजल समझना, ते ओ तलबा ते हुफाज ते कुर्रा ते खुतबा दी जमात है, वो दीनदार लोगों की इस तबके ते मैं सब तो ज्यादा खर्च करना। क्यों करना? क्योंकि मसनद नबुव्वत तो बाद सब तो ज्यादा सवाब इन्हें तो खर्च करन दा हुंदा। ये अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दा कौल है। अल्लाह अकबर। की कहती है बेटी? कहती मैं चंगियां दी जाइया
ते तुसी भी बड़े ही चंगे हो सुभान अल्लाह तुसी भी बड़े ही चंगे हो मैं वेखिया तुहाडे तुहाडे यारां नूं वेखिया भी बड़े चंगे ने ना बड़े चंगे लोग तुहाडे तो बेहतरी दी उम्मीद करनी आ मेरे नबी फरमाया होएगा मेरी बेटी ही उम्मीद नहीं है तो बेहतरी दे यकीन कीते जांदे ने उम्मीदा नहीं साढ़े को बेहतरियां लोग लैके जाते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह दस दस तेरे कहोजा सलूक हो जो तुम चाहते हो वैसा सलूक हो जाए पर मैं साहबा एक जंग ते जाने वास्ते कमांडो उसका दस्ता मौजूद है मेरे नबी दे साहबा मौजूद ने हजूर ने फरमाया साहबा इधर आओ जिहाद के बाद अंदर जाना कमक बाद अंदर पहुँचाना पहले दुश्मन की बेटी बाइज्जत घर पहुँचा के आओ सहाबाए दे सज्जियों खबियों फुल सिक्योरिटी प्रूफ सिस्टम हिसार बनाया होया इनू अपने हिसार अंदर लिया होया तीरां तलवारां दे नाल इनू ले करके जा रहे ने ना अदी दा घर कला आया है ना अल्लाहु अकबर सारे तीर तलवार अदी ते अदी दे कजन और उदी फौज तीर तलवार कस लैंदी है छड्डांगे नहीं साडी बहन नू लै करके चले गए ने अदी कहिंदा खड़ोवो एक बारी मैनू जा करके बहन नू पुछ के ते आउण दिओ उहदे नाल सलूक किहो जे होए ने अदी आया आ करके पुछदा है ना जिस दिन दी दुश्मन दे नरगे दे अंदर आई हुई है एक दिन चैन नाल नहीं बैठा खाना नहीं खादा भोए ते यानी माम मिट्टी ते लेटिया धुप छां दी तमीज खत्म हो गई तेरे खम दे अंदर बराबर दा शरीका दसे ना मैनू बहने कई फवजती असाब मुहम्मद आहो अल्लाहु अकबर तू मुहम्मद ते मुहम्मद दे साथियां नू केहो जिहा पाया दुश्मन दी बेटी बोली दे कहंदी आदी तू बात बहुत बड़ी कर छड़ी ए तू मुहम्मद ते मुहम्मद दे साथियां दे बारे च पुछना है अल्लाह दी कसम है अज तक मैनू तेरिया अखां दे अंदर ओ हया नजर नहीं आया जेड़ा मुहम्मद ते मुहम्मद दे साथियां दियां अखां च हया नजर आया होए अल्लाह अकबर आप असहाबा की बात करते हैं फिर कुरान पढ़ो अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ फरमाया तुसी ईमानदार बनना ते इन्ना वर्गा ईमान होना चाहिदा है तुसी तहकीक कामयाब हिदायत याफ्ता हो जाओगे अल्लाह कुरान अंदर किधरे फरमांदा है उलाइका हुमुल मुत्तकून उलाइका हुमुल मुफ्लिहून अल्लाहु अकबर अल्लाह असी ते कुरान दी मल्लांगे बाकी ते सानू समझ ही नहीं आउंदी अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा एक होर आयत नाज़िल होंदी है कुरान अंदर वइज़ा जा فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة جو قرآن کے ترجمے کو سمجھتے ہوں وہ یقیناً تڑپ گئے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میرے محبوب محمد پھر کہہ دیں نبی پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں کثرت سے پڑھا کریں غم ہے پریشانی ہے تکلیف میں ہے مصیبت میں ہے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں معافی نامہ چاہتے ہیں یہ سارے کام ہو گئے ہیں کوئی سٹ پیٹ لگ گئی ہے تو پھر بھی درود پڑھو تو دا نظارہ ویکھو پھر نبی سونے تو درود پڑھو تو پھر دا ایسے کر کے میں کہنا مختلف حدیث دا نہ چھوڑ کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو درود پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جدو تواڈے کول آن کون آن یؤمنون بآیاتنا اے تواڈے صحابہ جڑے میری آیتاں تے ایمان لے آنے والے
साहब जो तुहाडे कोल आण फकुल सलाम अलैकुम। आह सुभान अल्लाह, फिर की कहना है इन्हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, सहाबी रसूल आते हैं, आप फरमाते हैं सलामुन अलैकुम। अल्लाह के रसूल, आप हमारे आका, आप हमारे मौला, आप हमारे सरदार, आप हुक्म इरशाद फरमाएं, गर्दने हाजर, खून के जितने भी कतरात हैं हाजर, जिसम के बाल हाजर, अंग अंग ते लू लू हाजर, सोने हो तुसी साडे सरदार हो, तुसी सानू सलाम ना आख्या करो, असी तुहानू आखी ना सी, असी तुहानू अदब नाल। साहब कहते हैं हजूर असी झुकीए, फरमाया रब झुकने अपने तो अलावा पसंद ही नहीं फरमाउंदा। हजूर असी तुहानू झुकीए, रुकू करिए, सजदा करिए, ताजीमन तकरीमन, फरमाया अल्लाह नू पसंद ही नहीं। अल्लाह नू ए बात कि इंसान इंसान के सामने मूर्ति पत्थर ते शजर हजर दूर की बात है, इंसान इंसान के सामने भी झुके रब नू पसंद। तो तू ढेरियां अगे प्यार है, तू दरख्तां अगे प्यार है, ओ थे नड़ंग धड़ंग बैठा, तू इतों जमीन तो रगड़दा जा, ते मत तेरी मारी है ना। कुरान कहता इन्नमल मुशरिकून नजस। भाई खुशबू जिधर से आती है अच्छी जगह से दिमाग वर्क करता है। आप बदबू में किसी बंदे को 10 दिन रखे, उसका दिमाग माउफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, तो जब पलीदगी, ये शिर्क की पलीदगी जब आती है ना, तो फिर दिमाग मऊफ हो जाता है, बंदा प्लीद हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुजूर जी साडा दिल करता है ना, तेसी तुहानू सलाम आखिए, तुसी साडे सरदार हो। फरमाया प्यारे रब दा हुक्म आ गया है। अल्लाह फरमाया जदों ईमान वाले आण ते फकुल सलामुन अलैकुम। तकरीबन 6 तो 7 में तफसीरां दे अंदर पढ़े, एक तफसीर अंदर ये लफ्ज़ लिखे हुए ने, से इन्हां नूं आखो सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिर रहमा। अल्लाह ने तुहाडे ते, तुहाडे बारे अंदर अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने रहमत लिख दिती, और रहमत लिखना, रहमत भेजना, नाजल फरमाना अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया, तुहाडे ते रहमत ही रहमत। जाओ कुरान का तर्जमा पढ़ो नबी दे सहाबा दे बारे अंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। हुण आखेगा जी वो नहीं वो थे, वो नहीं वो थे। कुरान की कायद पढ़ करके एदा तर्जमा गलत किया जाता है ना। मेरे नबी निकले उमरा करने वास्ते, सहाबा ने भी हराम बने हुए ने ना। हुदैबिया दे मुकाम ते जिन्हों जिन्हों शुमैस भी आख्या जाता है ना, हुदैबिया दे मुकाम ते जा करके उत्थे पता चलिया कि काफर लड़न गए, उमरा नहीं करन देणगे। मेरे नबी ने फरमाया उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जी जी लब्बैक व सादैक फिदाका भी व उम्मी या रसूल अल्लाह। फरमाया उस्मान जा मेरा मशीर बन करके जा, इन्हां नूं जा करके मेरी तरफ आ मुआमलात दस के, असी ते उमरा करन आए हाँ, साढ़े कोल तलवारां नहीं ने, लड़ाई का समान नहीं, असी जंग नहीं चाहते, जंग करन नहीं आए। अल्लाह अकबर, वापसी ते पता चलिया जनाबे उस्मान नूं शहीद कर दिता गया है। मेरे नबी वो बबोहल दे दरखत दे नीचे बैठे ने ना, मेरे नबी ने सहाबा नूं बुलवाया, हजूर ने फरमाया आ मैं मुहम्मद दा हाथ है, आ मेरे उस्मान दा हाथ है। मेरे नबी ने हाथ ते हाथ रखे आए, हथे अबू बकर दा हाथ आया, उमर दा हाथ आया, अली दा हाथ आया, अशरा मुबशरा दे हाथ आए, 1400 सहाबा दे हाथ आए ने ना। अल्लाह सोने ने फरमाया कुरान इलां दे शान अंदर सूरह फतह नाज़िल फरमा छड़ी है, फरमाया लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन इज युबायउनक الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا। एक मैं बंदे नु सुन रहा कहंदा वो जिन से अल्लाह राजी हुआ अनिल मुमिनीन, वो तो कुरान दे लफ्ज़ भी गलत पढ़ रहा सी, गलत अदा कर रहा सी। अल्लाह उन में से जो मोमिन थे उन से राजी हुआ। मैं 4-5 बड़े बड़े उलमा नूं वेख्या जी, इनकी जी मंतक बड़ी टाइट है, ये फलसफियाना गुफ्तगु बड़ी करते हैं, तो हमें क्या लगे भाई मंतक फलसफे से, हम हमारे पास तो कुरान ये देखें, ऐ वेखो सारा फटियां पड़ियां, साढ़े को तो कुरान पिया ना, सानू मंतकां दी केड़ी लोड़, सानू केड़ा फल। अल्लाह के नबी ने हदीसे पाक दे थ्रू
सहाबा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, सानू तो सारियां चीज़ां आ गई ने, सानू मंतकियां ना फलसफियां ना। अनिल मोमिनीन यानी उन में से जो मोमिन थे उन से रब राजी हुआ। नाले कहंदा मुल्ला गुमराह करदा पिया, ओ बखर दे इलाके देख मुल्ला के गुमराह करदा है, मुल्ला नहीं अनिल मोमिनीन। जाओ खुद तर्जमा गूगल टाइप करो, आप ही समझ आ जाएगा तर्जमा। यहूदी का बनाया पवे लेकिन तर्जमा से तुहानू समझ आ ही जाएगा ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 ना सारिया नाल राजी हो गया जिन्ना ने कट मरने दी बैत की थी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दे इशारे ते जाना निछावर कर देंगे, जाना जाना कुर्बान कर देंगे। अल्लाह इन्ना सारे नाली राजी हो चुके है। अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 फिर ऐसे राजी होए ने ना ए नबी दे सहाबा ने किधरे 10,000 दा लश्कर आंदा है ते सामने वड्डियां वड्डियां फौजां आंदियां ने ना। अल्लाहु अकबर मैनू याद आए ने ना हजरत सारी एक बहुत तारीखुल खुलफा वाले ने लिखा है हजरत सारिया एक लश्कर लैके जाते ने ना सैकड़ों मील लश्कर दूर है ना हजारों मील दूर। इधरों हजरत उमर जुमे का खुतबा इरशाद फरमाते हैं हजरत सारिया इंज करके अगे बढ़ते ने ना इधरों हजरत उमर की आवाज आती या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल। अल्लाह सारिया पहाड़ बने चढ़ जा, सारिया पहाड़ बने, सारिया पहाड़ बने। हो हज़रत सारिया फरमाते ने इंज ही लग रहा है जिम्मे हज़रत उमर कोल खलोते हुक्म दे रहे हैं। पहाड़ बनने चढ़े, तरकीब अच्छी हो गई, अल्लाह ने फतह अता फरमाई। अच्छा जी तुम कहोगे जी करी साहब ये तो फिर साड़िया गल् भी ठीक हुई ना, वेखो फिर गल चली ना फिर अल्लाह के वली दी, उमर भी तो अल्लाह के वली सन ना, गल तो हो गई ना असी तो जी। हाँ फिर इतने मसलक समझदा जा जरा के वली दी करामत नबी दा मौजजा, नबी दा मौजजा ते वली दी करामत दा कोई बेईमान इनकारी हो सकता है, लेकिन इन्हां दे पिछे ताकतां ते मर्जियां टाइमिंग मेरे खुदा दी कार फरमा होया कर दी है। ओही हजरत उमर ने बड़ी देर बाद नमाज पढ़ा रहे ने चंद फुट दे फासले ते अबू लोलो मजूसी फिरोज, वो अबू लोलो फिरोज मजूसी लामती मलून खड़ोता है ते पता नहीं चलिया। बस इतनी सी बात है। अल्लाहु अकबर अल्लाह 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 ए नबी दे सहाबा सणा ए फिर जदों वेखो इन्हां ने मन्या ते मन के विखाया। अल्लाह ने इन्हां वास्ते गनीमतां दे वा गनीमा कसीरा, इन्हां वास्ते नेमतां दे अल्लाह ने दरवाजे खोल दिते, माल इन्हां वास्ते आम हो जांदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दफा मदीने दे अंदर जलजला आया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला कहंदे ने कुम एक जमीन हिली, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने ना ए जमीन अल्लाह दे हुक्म दे नाल खामोश हो जा, हिलना बंद कर दे, रुक जा, ठहर जा। बिइज़्निल्लाह दे लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए कि अल्लाह दे हुक्म नाल रुक जा, ठहर जा। फसकंत वो उस वेले जमीन ठहर गई, चुप हो गई, खामोश हो गई। जमीन अंदर समझण दा मिजाज, हजरत जी जाके आखो ना जमीन में कुछ, मैं वेखना कि शायद कुछ बन जाए है। लेकिन कुम भी अल्लाह दे बिज़्निल्लाह अल्लाह दे हुक्म दे नाल जदों इशारा फरमाया है कि अल्लाह दे हुक्म नाल ठहर जा, खामोश हो जा, वो रुक गई, खामोश हो गई, अल्लाह दा हुक्म उन्हें मन्या। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो कोई आम तुसी किसी अल्लाह दे वली दे नाल छाप ला के आखो कि वो फरमाते थे कि कुम भी इज़नी मेरे हुक्म से मुर्दे खड़ा हो जा, ये तो बात गलत है ना। जब हजरत उमर ने नहीं फरमाया, वो कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से रुक जा, तो फिर इस तरह से ना एक कुम भी इज़निल्लाह दे लफ्ज ने शिरको बिदातियां धजियां उड़ा छड़ियां। नबी दे सारे सहाबा नु वेखो 1% एक रत्ती परसेंट भी किसी च शिरक नज़र आ जाए। हज़रत तुफैल दौसी आखिरी सहाबी बयान किए जाते हैं, हज़रत बिन अनस बिन मालिक भी आखिरी सहाबा दे विचों। जाओ खां हज्जाज बिन यूसुफ जमाने का दुश्मन ते कातल, अनस बबांगे दोहल खलोते तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अज मैं वो कलमे पढ़े ने जेड़े अल्लाह के रसूल ने फरमाया सी 3 दफ़ा सुबह तो शाम पढ़ो, जमीनों आसमान की कोई चीज़ तुहाडा नुकसान नहीं करेगी, मैं पढ़े हुए ने तू अपना लिया जो कुछ तेरियां ताकतां है ने, फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकया हज्जाज बिन यूनस। नबी दे सहाबा अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत साद बिन अबी वकास याद आए, कादसिया दा मैदान सजिया, 1 साल तक लड़ाई होंदी रही, अल्लाह ने फतह अता फरमाई। इस्लामी जरनैल ने स्ट्रेचर ते लेटे हुए थे, फौजां दी कयादत फरमा रहे ने,
ये नहीं कि हुण काम पैन लगे तो लिहाजा मैं छुट्टी पर चला जाता हूँ पीछे से नबेड़ देना सारा काम है। क्यों राणा साहब इंज ही होंगे ना कि हुण काम मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ लिहाजा पीछे से काम नबेड़ दीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा सारा काम, मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ ना। हज़रत साद बिन अबी वकास जरनैल ने स्ट्रेचर ते ने ते कयादत फरमा रहे ने, सुभान अल्लाह। दरियाए दजला मौजूद है, फारसी सामने मौजूद ने, दरिया क्रॉस कर गए, कश्तियां दिया जड़े पुल बनाए हुए, रस्सियां दे पुल बनाए, इन्हनु कट छोड़िया, अग्गा ला दितियां, सामने दरिया है, इधर नबी दे सहाबा ने, सामने फारसी ने। हजरत अब्दुलरहमान नु हुक्म होया, हजरत साद फरमांदे ने अब्दुलरहमान घोड़सवारां दा दस्ता दरिया अंदर उतार दियो, नाले जुबाना ते कलमा जारी करो, हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमल वकील। हाँ हाँ फौजा उतार दियो, चश्मे फलक ने वेखिया नबी दे सहाबा नू, हजरत मूसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, लाडले पैगंबर दीवारी आवे, अल्लाह हुक्म इरशाद फरमान, नबी मूसा जी अपनी लठ मुबारक अपने आसा मुबारक नू मारो, अल्लाह रस्ते बना देगा, पानी कंधा बन जाएगा, रस्ते बन जाएंगे, तुसी गुजर जाओगे, लेकिन नबी मुहम्मद दे गुलामा दियां वारियां आन, पानी नू हुक्म हो जावे इन्हां नू सलूट मार दिया होया, उत्थे ही ठहर जा, जम जा, रुक जा, इन्ना हुण लंघना है। फिर चश्मे फलक ने वेख्या, पहला दस्ता घुड़सवारां दा दस्ता पैदल जा रहे ने ना, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला दा बयान है ना, सुनो सुनो नबी और नबी दे सहाबा, सुनो अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या थे सहाबा, कौन थे सहाबा, अल्लाह दी कसम है नहीं हो सकता जग रल के भी नबी दे सहाबा वर्गा। एक सहाबी और रसूल हजरत वहशी बिना रब क्यों ना हो, वाहशी ने जड़े हजरत सैयदन सैयदुशहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह सुबहान अल्लाह सदके जावा भाई माशाल्लाह रजी अल्लाह, ये साहबा दीवाने ने जो ना सुनते हैं तो की कहते हैं रजी अल्लाह ताला। वाहशी बिन अरब नबी पाक ने फरमाया सामने ना आया कर, चाचे का वो गम याद आ जाए। बाद अंदर रिवायात मिलती ने सामने भी बैठना शुरू हो गए, पूरी कायनात दे औलिया अल्लाह मिल जान, हजरत वाहशी बिन अरब दे जूते मुबारक न लगी हुई धूल का मुकाबला नहीं कर सकते। तू नबी दे सहाबा की बात करना है, वो ऐसे थे और वो ऐसे थे जो सरदार थे, तू अपने मालकां नूं जिवें खादम रिजवी साहब फरमांदे ने तू कुत्ते हो, तुसीं अपने मालकां नूं भौंकण लग गए हो, अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सलमान फारसी का बयान है ना, एक सहाबी है रसूल का प्याला पानी के अंदर डुब जाता है, कहंदे ने अल्लाह की कसम है पानी तेरी जुर्रत किवें तू मेरा प्याला डबो जावे, झटका वजह प्याला हाथ अंदर आ गया। अल्लाहु अकबर कबीरे थे नबी के सहाबा, अल्लाहु अकबर। हजरत उकबा बिन नाफे दी बात सुन दिया जाना, अफरीका दे जंगलात अंदर नबी दे सहाबा गए ने ना, उकबा बिन नाफे एवं अफरीकी जंगलात दे अंदर उत्थे कयाम पड़ाओ दा इन्होंने प्रोग्राम बनाया, इन्हें जंगल अफरीका दे ने। अज भी दुनिया जहान दे मोजी जानवर किन जंगलात अंदर ने, अफरीका दे जंगलात अंदर। जदों उन्होंने पड़ाव डालिया छावनी बना ली है, पता चलिया कि पूरी रुवे जमीन दे सारे मूजी जानवर तो इत्थे ही जमा ने, दुश्मन नाल की लड़ना पहले इन्हां नाल लड़ना पड़ेगा। स्ट्रैटजी बनाने वास्ते मजलिस शूरा, शूरा के अंदर सहाबाए किराम नू बुलवाया गया, नबी दे सहाबा नू जमा फरमाया गया, सारे सहाबा इकट्ठे हो गए ने, इन्हां नू हुण की आखना, सारे सहाबा खड़े हो करके मिल करके आवाज लगांदे ने, कहंदे ने अय्युहल हशरात वस्सिबाउ नहनु असहाब रसूलुल्लाह, ओ सप्पो ओ ठुयो ओ चीतो हाथियो ओ शेरो असी कौन आ, नहनु असहाब रसूलुल्लाह असी अल्लाह दे रसूल दे सहाबा, असी तुहानू हुक्म देने फरजऊ फइन्ना नाज़िलूना मिन्हु बादु वजद नाहु कतल नाहु, जड़ा बंदा जिड़ी भी चीज सानू एदे तो बाद इत्थे मिल गई वट देंगे मार देंगे कतल कर देंगे, हुक्म है साडा कि जंगल खाली कर दियो, असी कौन आ नबी दे, असी नबी दे सहाबा, जंगल खाली कर दियो। तारीखां वालियां ने लिखिया है
शेरनिया ने अपने बच्चे मुंह च उठाए ते लैणा च जा रही ने, एवं सप्पां दियां लैणा ते जंगल खाली हो रहा है। अल्लाहू अकबर, चीतियां दियां लैणा ते जंगल खाली हो रहा है। सप सपोले ते पिछू लैणा लगियां वेखदियां वेखदियां जंगल खाली। अल्लाहू अकबर, मैं ना हया आया हया कीता, इना जंगल दे जानवरां ने नबी दे साहबा दा हया कीता, इना सप्पां ते ठुयां ने नबी दे साहबा दा हया कीता, मगर ना हया आया इंसान नुमा जानवर नू, इंसान नुमा भेड़िया नू। इंसान ते सप सपोले वर्गे, जेड़े इंसान नुमा सप ते सपोले ने, इन्हां नू हया ना आया। ए अज भी इन्हां दे वार साहबा दी अजमता ते, अज भी इन्हां दियां जबाना साहबा दे ईमान ते डंग बरसांदियां ने, अज भी इन्हां दे जहर साहबा दी हलावत ईमानी ते। फिर मैं क्यों ना कहां के जो अस्हाबे मुहम्मद का दिल से एहतराम करते हैं, हम उन्हें लफ्ज़े हम अंदर सारे मुसलमान ने, हम उन्हें अदब से सलाम करते हैं। और सुनो, जो अस्हाबे मुहम्मद को गालियां देंगे, हम उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अकूल कौली हादा, अस्तगफिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मुस्लिमात।